साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं कि परवेज खट्टक के गांव में हूँ। पीटीआई वाले कहते हैं नया पाकिस्तान बनाएंगे, एक गांव तो बना ना सके। पख्तूनों को शनाख्त देकर हमने कोई एहसान नहीं किया। नौशेरा वांकी शरीफ में तकरीब से खिताब। शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस मेरिट पर चलेंगे, नाअहल वजीर आजम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की खुद निगरानी करूंगा। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड का चार्ज संभालते ही ऐलान, कहा अब एहतसाब का अमल सबके लिए होगा, सारे काम कानून के दायरे में होंगे, बहुत जल्द तब्दीलियां नजर आएंगी। नैब रेफरेंसेज ने हसन और हुसैन नवाज को इश्तेहारी करार देने का नोटिस बरतानिया अरसाल, 30 दिन के अंदर पेश हो जाए वरना दायमी वारंट जारी होंगे, जायदाद भी कर्ज कर ली जाएगी। नोटिस का मतलब। शेख रशीद का कहना है हुकूमत ने सी पैक मुहिदों पर शबखून मारा है। हुदैबिया पेपर्स चोरों की मां थी तो एलएनजी की केस की नानी है, एलएनजी मुहिदे से एसएसजीसी एसएनजीपीएल तबाह हो जाएगी। हलफनामे में तब्दीली की तहकीकात होनी चाहिए, पूरे ऐवान से इज्तिमाई गुना हुआ। मौलाना फजल रहमान का कौमी असेंबली में खिताब, सिराजुल हक कहते हैं खत्म नबूवत कानून के मामले पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए, जहां अकीदा खत्म नबूवत महफूज नहीं, इस रियासत को कैसे इस्लामी कहा जा सकता है। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान को बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से अलामती वॉकआउट, इजलास गैर मुयना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद नहीं किया जा सकता, मामला किसी और जगह जेर इल्तवा है तो भी अदालत को गौर से नहीं रोका जा सकता। जहांगीर तरीन अहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जहांगीर तरीन के वकील से ये भी कहा कि लैंड होल्डिंग सिर्फ मिल्कियती जमीन कैसे हो सकती है, इस नुक्ते पर आपको अदालत को मुतमईन करना होगा। सरकारी कामों में मदाखलत के मुकदमे में गजैन मरी का दो रोजा रिमांड मंजूर, नवाबजादा गजैन मरी कहते हैं वतन वापसी किसी डील का नतीजा नहीं, ऐसा होता तो अदालतों में इस तरह ना होता। साबिक सदर के प्रोटोकॉल की गाड़ी को टक्कर मारने का मुकदमा, कराची की अदालत ने जुर्म साबित होने पर दो साल तक प्ले कार्ड उठाकर कायद आजम की रहायशगाह के पास खड़ा रहने की हिदायत कर दी। प्ले कार्ड पर तहरीर होगा कि लापरवाही से गाड़ी चलाना जानलेवा है। कराची में आज भी शदीद गर्मी, पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी कैंप्स कायम, लोगों को पानी पिलाने के लिए सबीलें लग गईं।